डीएम ऑटो कॉर्नर चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप जो बाइक देख रहे हैं मेरे सामने, ये है यमाहा की FZX 150, जो कि TCS ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ अपडेट हो चुकी है। इसमें 4 से 5 बदलाव हुए हैं। नए फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या है, प्राइस क्या है, सारी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो बाइक में पहला जो अपडेट है वो है LED इंडिकेटर, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और ऊपर में 3 स्पॉट LED DRL और सेंटर में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है। ओवरऑल इसमें आपको हेडलाइट में काफ़ी अच्छी रोशनी मिल जाएगी। ये जो आप गोल हेडलाइट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का सेटअप है। ऊपर में आपको डिस्प्ले मिल जाती है। और यहाँ पर आगे वाला जो मडगार्ड दिया गया, ये मेटल बॉडी का है, मैट ब्लू कलर में। ये जो जॉइंट है ये भी आपको मेटल बॉडी का मिलता है। फ्रंट में रबर गेटर मिल जाते हैं, जिससे बाइक का लुक काफ़ी ज़्यादा रेट्रो। 41 mm इनर ट्यूब डायमीटर के अंदर आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। 282 mm की डिस्क मिलती है। सिंगल चैनल ABS मिलता है। और फ्रंट में 180/17 का ट्यूबलेस टायर। आगे अपडेट ये है कि अब इस बाइक में आपको गोल्डन कलर के 17 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। और इससे आगे वाला सबसे बड़ा अपडेट है, इसमें अब आपको मैट ब्लू कलर मिल जाता है, जो इस बार कंपनी ने अपडेट किया है। साइड बॉडी पैनल के ऊपर में यामा का स्टिकर और पेट्रोल टैंक के ऊपर में FZX का 3D में लोगो मिलता है। पूरा का पूरा जो टैंक है, ये साइड वाला जो हिस्सा है मेटल बॉडी का मिलता है। बाकी अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो ये जो टैंक है वो काफ़ी बड़ा है। और E20 का स्टिकर है। ये OBD2 BS6 फेज 2 का ही अपडेट है। और इसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल से ये बाइक चलने वाली है। ये बाइक आपको देती है 1 लीटर पेट्रोल में 50 km/L का माइलेज। और यहाँ पर आपको की पॉइंट मिलता है। इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर हम इसकी हैंडल बार की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल हैंडल बार मिलती है। फुल डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले। इसमें आपको RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ऊपर में टर्न इंडिकेटर, ABS, चेक इंजन, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल वाला अब इस बाइक में आपको फीचर्स मिल जाता है, जो पहले आपको नहीं मिलता था। इसके साथ ही यहाँ पर आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट, इको इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर नहीं मिलता है, जैसा कि FZS V4 में आपने देखा होगा। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें आपको SMS, कॉल अलर्ट और मिस कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए। हैंडल बार आपको मैट ब्लैक कलर की मिलती है। यहाँ पर आपको इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुने। आपको इसका साउंड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके जो मिरर हैं वो थोड़े से गोल मिलते हैं। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन मिल जाता है। इसका जो लाइट का जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको अपर डिपर और हेडलाइट का बटन, नीचे में इंडिकेटर और हॉर्न का बटन मिलता है। और यहाँ पर आपको जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट मिल जाती है। बाकी इसकी जो ग्रिप है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर आपको ग्रिप मिल जाती हैं राइड करने के लिए। इसके सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सीट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। बाकी इसमें 810 mm की सीट हेड मिल जाती है। सीट काफ़ी लंबी है, मोटी भी है। और इंजन की तरफ चलें, इसमें आपको किक नहीं मिलती है। और कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको फुटपैक्स मिल जाते हैं, जो एकदम सेंटर में दिए गए हैं। इसमें आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है, इसका जो इंजन गार्ड है ये आपको मेटल बॉडी का मिलता है। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर, कैटलिटिक कन्वर्टर, एयर कूल्ड वाला इंजन मिलता है। ये जो सब का सब मटेरियल आप देख रहे हैं ये फाइबर का है। इसमें 149 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 2-वाल BS6 FI इंजन दिया है, जो 12.4 PS की मैक्स पावर देता है 7,250 RPM पर। 13.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है 5,500 RPM पर। ये बाइक की जो पावर है वो थोड़ी सी कम है, कंपनी को बढ़ानी चाहिए। बाकी जो एग्जॉस्ट है ये आपको फुली मफलर गार्ड मिलता है, जो कि प्लास्टिक में दिया गया। पीछे में 220 mm की डिस्क मिल जाती है। पीछे में आपको ABS नहीं मिलता है। और पीछे वाले टायर की बात करें, 140/60/8/17 का रेडियल टायर है। अगर आप चाहें तो इसको सिटी हाईवे या फिर आप इसको थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करके साथ आप इसको ऑफ रोड में भी यूज कर सकते हैं। और पीछे में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनो क्रॉस सस्पेंशन है। और इसके रियर पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मेटल का, और LED वाली टेललाइट मिल जाती है। LED वाले टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। पीछे का जो लुक है वो उतना ज़्यादा खास नहीं है, और हो सके तो कंपनी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। चलते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड, जो कि अटैच है इसके टायर हगर के साथ। एडजस्टेबल फुटपैक्स मिलते हैं। इसमें आपको मिलते हैं फोल्डेबल फुटपैक्स राइडर के लिए। और यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। 5 गियर मिल जाते हैं TCS ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ।
और इसमें साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर का भी फीचर्स मिल जाता है दोस्तों। तो प्राइस की बात करें तो यामाहा FZX150E20 OBD2 BS6 Phase 2 की इस बाइक की ऑन रोड कीमत है अप्रॉक्स में 1,62,400 रुपये के आसपास, और FZS B3 147 की पड़ती है, और FZS V4 आपको पड़ती है 1,53,000 की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और DM ऑटो कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें।